हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर का एक बहुत ही सिंपल सा एक रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल को देखिए गरम कर ले। कढ़ाई में तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें थोड़ा सा जीरा और एक सूखी लाल मिर्च देके हल्का सा फ्राई कर ले। फिर इसमें थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा भून ले। इस टाइम पे हम टोमेटो प्यूरी दे देंगे। यहाँ पे मैंने 3 छोटे छोटे टोमेटो के प्यूरी करके दिया हुआ है। इसको अभी हमको अच्छे से भूनना है। टोमेटो को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें से जो टोमेटो का कच्चा स्मेल है वो चला जाए। टोमेटो अभी अच्छे से इसका कच्चापन चला गया है, स्मेल भी चला गया है। इस टाइम पे हम मसाले डालेंगे। मसालों में हम सबसे पहले नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर देखिए इसको अच्छे से भूनना है। इसमें मैं बस थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस थोड़ा सा, ताकि मसाले जल ना जाए। ये मसाले अभी अच्छे से भून गए हैं। टाइम पे हम इसके आधा कटोरी बीट किया हुआ दही डालेंगे। दही के साथ मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इस टाइम पे हम पनीर डाल देंगे। पनीर को मैंने ऐसे करके पीसेस किया हुआ है, ट्रायंगल पीस में। आप जैसे चाहे पीस कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया है, देखने में अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पनीर को फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं। अब ये पनीर के साथ अच्छे से मसाले को मिक्स करना है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। अभी ये ग्रेवी अच्छे से सूख गया है, पूरी तरह रेडी है। इस टाइम पे हम लास्ट में थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, घर पे रोस्ट किया हुआ जो जीरा पाउडर होता है वो हम ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए कितनी सिंपली एक इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी से एक पनीर का रेसिपी बन जाता है। अगर आपको मेरा ये पनीर का रेसिपी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को लाइक ज़रूर दें। और मेरा चैनल आपको अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।